सुल्तानपुर में मौनी अमावस्या पर्व पर जिले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज हजारों श्रद्धालुओं ने आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाकर पाप से मुक्ति की कामना की। शहर के सीताकुंड घाट पर दिन भर स्नानार्थियों का तांता लगा रहा। आदि गंगा गोमती स्थित सीताकुंड घाट पर स्नान के लिए भोर में 4 बजे से ही श्रद्धालु लगातार जुटे रहे। हजारों की संख्या में महिला पुरुष व बच्चों ने आदि गंगा गोमती में आस्था की डुबकी लगाई और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर पापों से मुक्ति की कामना की। आदाब, मैं हूं सरफराज अहमद। इस टाइम मैं मौजूद हूं सीताकुंड घाट पर, जहां पर आज मौनी अमावस्या के मौके पर लोगों की अथाह भीड़ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस अमावस्या की जो नहावन है उसमें इनकी क्या आस्था है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ से आई हैं आप? जिला सुल्तानपुर का है, दुमुहुआ भदिंगा ब्लॉक। अच्छा, आज आई हैं आप नहाने के लिए। हाँ। तो इसके पीछे क्या कारण है? नहाती किस लिए है? नहाती है कि देखा रहनी दान पुण्य करने के लिए, फलित गंगा माई का स्नान करने के लिए ही ले आए। अच्छा, कितने वर्षों से आ रही हैं आप? बहुत दिन से आ रही हैं। इलाहाबाद जाए थे, यहाँ पे बहुत दिन से आते हैं। अच्छा अच्छा, 30 साल से आते हैं। ये ठंड से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं। अभी नहाई है कि नहीं? अभी नहीं, नहाने जा रही है। सवारी देर में मिलती है, इसीलिए बेर के आए हैं। जी 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 जी। माता जी, क्या नाम है आपका? किरण मौर्या। किरण मौर्या। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? गोरा बारिक बंगालवा। गोरा बारिक से? अमार से। आप किस लिए आई हैं आप? अब नहाने आए हैं, दान पुण्य करने, मतलब नहाना स्नान करने। अच्छा अच्छा, क्या है इसकी प्रथा, क्या है, क्या लोग इसको लेके, क्या इनकी आस्था, क्या मानते हैं इसको नहाने के लिए? अरे नहाने के दान पुण्य मानते, मतलब अपने भलक गंगा माई की स्नान करने आए हैं आप। जी, इसी के साथ मेरे साथ कुछ वृद्ध महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए, क्या नाम है? गणपति नाम है। अच्छा, आप नहाने आई हैं, स्नान करने आई हैं? हाँ। अब मौनी अमावस्या के मौके पर? मौर्या जी। हाँ। तो क्या इसमें क्या आप आस्था रखती हैं? अब का रखी है, नहा आई थे, मने दान पुण्य करता ही, मने सब के मारे है नहा चला। आस्था क्या है कि नहाने से, स्नान करने से जो पाप है वो धुल जाते हैं? वो का भगवान जाने भैया, अब हम मने तो जाने ना। सही है। हाँ। आस्था है, पाप धुल जाते हैं। हाँ। महिलाओं के साथ साथ मेरे साथ एक भाई साहब भी हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ के लिए विस्तृत जानकारी वो हमको देंगे। क्या है भैया यहाँ पे आज? यहाँ जो है नहाने से जो है लोगों के जो है पाप जो धुल जाते हैं, और इसको जो है हमेशा के लिए जो है लोगों ने जो है पवित्र माना है कि मौनी अमावस्या के अवश्य स्नान करना चाहिए। जो है नहाते समय जो है नहीं बोलना चाहिए, और उसके बाद जो है आप बोल सकते हैं, जो है इसीलिए इसका महत्व जो है और बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि सीताकुंड धाम पर किस तरह लोग एकत्रित हुए हैं, कितनी भीड़ है। सुबह 10 बजे घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सीताकुंड घाट पर नदी के दोनों तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आस्था में डूबी सैकड़ों बुजुर्ग महिलाओं ने घाट तक पैदल ही रास्ता तय किया। विवाहित जोड़ों ने भी आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाई और उनकी जय गंगा मैया के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर मौजूद गरीबों में अन्न व धन दान दिया। पुरोहितों के जरिए घाट पर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान तमाम श्रद्धालुओं ने गोदान कर पुण्य भी कमाया। सीताकुंड घाट पर स्थित देवी व शिव मंदिरों पर घंटे घड़ियालों की आवाजें गूंजती रही। इस दौरान दूर दराज से आए व्यापारियों ने सीताकुंड धाम से दीवानी चौराहे तक अपनी दुकानें सजा रखी थी। यहाँ महिलाओं ने गृहस्थी व पूजा पाठ का सामान खरीदा, तो बच्चों ने खिलौने व मिठाई की खरीदारी की। मौनी अमावस्या पर्व पर गोमती मित्र मंडल पूरे तरीके से सीताकुंड धाम पर मुस्तैद रहा। श्रद्धालुओं के लिए नहाने के पश्चात कपड़े बदलने की व्यवस्था के साथ ही उनके लिए चाय नाश्ते का भी प्रबंध किया गया। यहाँ आए हुए स्नार्थियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए चाय की व्यवस्था करता है, टोस्ट की व्यवस्था करता है, और साफ सफाई सबसे बड़ा जो हम लोगों का उद्देश्य है कि यहाँ स्वच्छता बनी रहे, और स्वच्छता के निमित्त ही हमारा प्रयास इस स्नान पर रहता है। महिलाओं के बस बदलने की व्यवस्था है, तो जो भी समुचित व्यवस्था हो पा रही है, मेले में जो खोए पाए जाते हैं उनको उनके परिवार तक पहुँचाना,
जो बुजुर्ग हैं उनको स्नान में उनकी सहायता करना है, सब हमारे गोमती मित्र मंडल परिवार के लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर चाय का वितरण किया जा रहा है महिलाओं के लिए। वस्त्र बदलने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर टीन की शेड का जो है घेराबंदी करके उन्हें जो है महिलाओं को वस्त्र चेंज करने के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे उनको कोई असुविधा यहाँ पर भीड़ में न महसूस हो। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।